पापी, पापियों को पाप से पार दी। श्री भागवत भगवान की है आदिति, पापियों को पाप से है पार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से पार दी।
शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बा मैया की जय। जगदम्बा मैया की जय। गणेश जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। समस्त ग्राम देवताओं की हर हर नर्मदे नमः पार्वती पते हरे महादेव। जय जय श्री राधे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमो नमः। श्री हरे नमः। श्री मनु वृंदाविहारिणे नमो नमः। लंबोदर में परम सुंदर में किदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदर दिवाकर करोज्वलकाय कांतम नमामि विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। ध्यायेयं सदा परिभव मघं महिष्टदोहं तीर्थास्पदं श्रीबिरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारुप्यहं प्रणतिपालभवानुपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दौ। बंसी विभूषित करान नबुनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाय धरुष्टा पूर्ण सुंदर मुखा दरुबिंद्र नेत्रात कृष्णापरम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदारी मधुमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत पुराण जो भगवान आप काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कणकण में व्याप्त मेरे परम आराध्य श्री सामरी सरकार श्री राज राजेश्वरी भवन भुवनेश्वरी निकुंजेश्वरी वृषभानी की दुलारी ललित ललाम लाडली महाराधे हमारी माँ जगत जननी परम अम्बा खेरापति हरसिद्धि माँ भूत भावन चंद्र मौली चंद्रशेखर अगरदारी महा प्रलयंकर श्री काशीपति बाबा विश्वनाथ अनंता अनंत बलवंत दीपराग संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज जी की भावभीनी उपस्थिति में जिनके मंदिर के सामने और उनकी परम सानिध्य में परमात्मा की पावन मंगलमयी कथा
का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए हमारी सृष्टि के रचिता पित्र समाज और हमारी मीडिया के चौथे स्तंभ में हमारे श्री दीपक मिश्रा जी और सभी आसपास ग्रामों से एकत्र हुए श्रोता वृंद मित्र समाज सभी के भाग स्वरूप समझ करके सभी को प्रणाम। हमारी ममतामयी माताएं बहने भारत वाटिका के नव निहाल पल्लवित हमारे देश के भविष्य बच्चे और परमात्मा की महती कृपा करुणा कृपा से जिन्हें मुख्य अभिमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे भगवान दास जी पटेल जो सापत्नी के मुख्य अभिमान बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस परिवार के सभी भाई सभी बहुएं सहयोग मान के रूप में सभी उपस्थित हैं इनके लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा की असीम कृपा से हमें यह सानिध्य प्राप्त हुआ है क्योंकि शास्त्र कहते हैं एता प्रसे समुत्पन्न भावी दुख सूच के शांति यज्ञ तु मति मानो क्रियाता दोष शांत। सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए सभी प्रकार की परेशानी की निवृत्ति के लिए और हम सभी देवताओं की आराधना करते हैं कथा के सुनने मात्र से कथा में आने मात्र से हमारे शारीरिक रोगों का नाश होता है। भगवान की कथा सुनने से शारीरिक जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं एवं कथा के प्रभाव से मानव आरोग्य विद्या कीर्ति पराक्रम धन धान पुत्र पुत्रादि अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। इसलिए परमात्मा की जहाँ कथा होती है हमारे लिए भगवान की कथा में जाना चाहिए क्योंकि परमात्मा ने हमें स्वर्ग दिया है ये सुंदर हमें मानव शरीर दिया है इसलिए हम भगवान के जो चरण शरण ग्रहण करते हैं जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं उन पर भगवान की कृपा होती है और जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको वाले दे हम अपनी कथा में ध्यान बल वृंदावन विहार की जय। हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान का नाम संकीर्तन बोले वृंदावन बिहार लाल की जय हो। मेरा कोई ना सहारा बोल तेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बोल तेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा तेरे नंदलाल सवरिया मेरे हो मेरा कोई ना सहारा तेरे नंदलाल सवरिया मेरे तुम युग युग अंदर आए हो
शास्त्र कहते हैं कि जो परमात्मा की कथाओं से जुड़ जाते हैं, जो भगवान से जुड़ जाते हैं, उनके जीवन में कल्याण हो जाता है। कथा मानव के जीवन की व्यथा को मिटा देती है। कथा सुनने मात्र से जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। और ये हमारे हनुमान जी महाराज आज मंगलवार का दिन, केवल 5 मिनट हनुमान जी महाराज की चर्चा करें, उसके बाद कथा में प्रवेश। हनुमान जी महाराज जो है प्रभु चरण में गो रसिया, राम लखन सीतावन बसिया, कथा सुनते भी है। और हनुमान जी जैसा कोई कथाकार नहीं है। जहां जिस गांव में जिस घर में कथा होती, संसार के जाए चाहे ना जाए, लेकिन हनुमान जी महाराज देवता वहां पर आते हैं। सारे तीर्थ उस जगह पर आते हैं, सारे देवता आते हैं। तो हनुमान जी महाराज भगवान की कथाओं सुनने के रसिक भी है। लेकिन कथा में सबसे बड़े वक्ता है। शास्त्र कहते हैं कि कथा आदमी की जीवन की व्यथा मिटा देती है। और जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे, लंका में जाकर के हनुमान जी महाराज ने सीता को कथा सुनाई, जिससे मां जानकी की जो व्यथा थी वो दूर हुई। और हनुमान जी महाराज ने जाकर के जब कथा सुनाई, रामायण में लिखा है, रामचंद्र गुण बड़े मन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बड़े मन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे माँ जानकी को। जानकी ने विचार किया, कथा तो हमने कई बार सुनी। राजा जनक के यहाँ पर विद्वानों की भरमार थी। सारे विद्वान जनक जी के पास में सत्संग करने को जाते थे, वहां भी माँ जानकी ने कथा सुनी। चित्रकूट में कथा सुनी माँ जानकी ने। लेकिन आज जो हनुमान जी ने कथा सुनाई, इस कथा को सुन करके उनका जो डर था, कथा के सुनने से आदमी का भय समाप्त हो जाता है। आगे कथा में मिलेगा पारिषद को श्राप था कि हमें सप्तम दिन तक्षक नाग काटेगा, सांप काटेगा, जिससे मौत हो जाएगी। और आज चौथे दिन जब महाराज पारिषद से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम जलपान कर लो, बोले हमें जलपान नहीं करना है, भगवान की कथाओं का पान कराओ, हमारा सारा भय समाप्त हो गया, हमें अब सांप काटने का कोई भय नहीं है। शोक मोह और भय को समाप्त करती है कथा। उसी समय सारी कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने। लागी सुने सिरे बने मन लाई, लागी सुने लागी सुने सिरे बने मन लाई, लागी सुने सिरे बने मन लाई, आ जाऊ ते सब कथा सुनाई, आ जाऊ ते सब कथा सुनाई, आ जाऊ ते सब कथा सुनाई। सारी कथा सुनाई। लेकिन सीता जी की व्यथा दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज कथा सुना रहे हैं। माँ जानकी ने कहा कि कथा तो बहुत बढ़िया कह रहे हो, केवल लंका में कथा के वक्ता विभीषण थे। विभीषण के अलावा कोई कथा नहीं जानता था। लेकिन ना तो जानकी जी के पास में विभीषण जा सकते थे, ना विभीषण वहां राम की कथा सुना सकते थे। सीता जी विचार करती है कि आज तक ऐसी कथा नहीं सुनी,
इतनी सुंदर भगवान की कथा, माँ जानकी ने कहा कि भैया प्रकट क्यों नहीं होते कथा सुनाने वाले, तुम प्रकट क्यों नहीं होते हो। उन्होंने विचार किया, कथा तो सुंदर है लेकिन सुनाने वाला बंदर है। भगवान की कथा सुंदर है लेकिन सुनाने वाला बंदर है। पर हनुमान जी महाराज कथाकार है। यहां जानकी जी को जब कथा सुनाई, सारी व्यथा मिट गई जानकी जी की, और रावण को जाकर के कथा सुनाई। रावण के लिए जाकर के उन्होंने एक ही बात कही, हनुमान जी ने कथा सुनाई, राम चरण पंकज और धरे हो, 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 जल राज तुम करे हो, लंका जल राज तुम करे हो। हनुमान जी महाराज ने कहा, रावण यदि तुम अमर रहना चाहते हो, अमर रहना चाहते हो, जवान रहना चाहते हो, अपनी संपत्ति अपनी लंका को बचाना चाहते हो, और ये केवल रावण के लिए नहीं है, जो अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, जो अपनी संपत्ति को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपने लंका को बचाना चाहते हैं, अजर अमर रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि राम चरण पंकज उर्धर हूं, भगवान का नाम हमारे हृदय में होना चाहिए सुबह शाम रोज, तो लंका अचल राज तुम करहु। लेकिन मंदोदरी ने कथा सुनी, रावण ने कथा सुनवे तो आए लेकिन कथा पर ध्यान नहीं दिया रावण ने, कि बंदर आया ऐसे तो अपने लगाएंगे। रावण ने कथा नहीं सुनी, और जिसने कथा नहीं सुनी भगवान की, उसका जीवन विकृत हो गया, उसका जीवन बिगड़ गया। रावण ने भगवान की कथा नहीं सुनी, समय ऐसा आया कि जब राम जी ने रावण को मारा, मरा डला हुआ है, कुत्ता पैर खींच रहे हैं, कौवा जाकर के भुजाएं ले जा रहे हैं, उसी समय मंदोदरी ने विचार किया, कहा कि धन है जिनके चलने से धरनी डोलती थी, जिनके भय से इंद्र चंद्र थर थर कांपते थे, आज लेकिन इनकी छाती पर कुत्ता बम आ रहे हैं। क्यों? जो भगवान राम से विमुख हो जाते हैं, जो भगवान से दूर हो जाते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। कहा राम विमुख ऐसे हाल तुम्हारा, हाल ऐसे हाल तुम्हारा, ऐसे हाल तुम्हारा, हाल गोल बनहारा, गोल मुख असहाल तुम्हारा है स्वामी, यदि तुमने इतना कथा सुन ली होती, भगवान के चरणों के लिए भगवान राम को अपने हृदय में रख लिया होता, तो आज तुम्हारी दशा नहीं होती। आज इतने बड़े 14 करोड़ राक्षसों में कोई पानी देने वाला नहीं है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा ना कुल को रोवन हारा, जो भगवान से दूर चले जाते हैं उनका नाश नहीं, उनका कुल नष्ट हो जाता है, उनका परिवार नष्ट हो जाता है। तुम्हें और उसी समय इसलिए कवि ने कहा है
कि आदि चले है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर और कुत्ता गाते गीत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदोदरी ने सोची के अन्याय का जो हाल भोग, आज कुत्ता छाती पे मोम आ गए। अभी चल है जो धर्म पे होती उसकी जीत, और अन्यायी भी है उसकी छाती पर कुत्ता गाते गीत। श्री परमात्मा ने सुंदर समय दिया है, सबको कथा सुनना चाहिए, भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। कल हमने कथा सुनी महाराज ध्रुव के उत्कल पुत्र हुए के बाद महाराज पृथ्वी के जन्म की कथा सुनी, इसी के बाद में प्राचीन बरही की कथा सुनाई, प्राचीन बरही के बाद में महाराज परंजय की कथा सुनाई। और इनके जो द्वितीय पुत्र थे प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत जो है, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुनि गृह रमते अनमोला कम बंधा परावो। जो महाराज प्रियव्रत है, प्रियव्रत के यहाँ पर 10 पुत्र हुए, अग्नि यज्ञबाहु महावीर हरंदरिता जो हुए, ये सभी जाकर के सभी कुशाबल के क्षेत्रों के राजा बने। एविदाश्रम सुभ्रासुर, इसके बाद में जो नाभि नाम के इनके बेटा थे, और नाभि ने तूर्णचित्ती नाम के जो अप्सरा उसके साथ में विवाह किया, मेरी देवी नामक इनकी पत्नी, जिनके यहाँ पर नाभि पत्नी काम प्रजा मेरु देवी भागवंतम, नाभि के यहाँ पर मेरी देवी के यहाँ पर ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव महाराज का इंद्र की पुत्री के साथ जयंती के साथ में विवाह हुआ, और महाराज ऋषभ देव के यहाँ पर 100 बेटा हुए, जिसमें सबसे बड़े भरत। एक दिन महाराज ने अपने सारे सभी बेटों को पास में बिठाया और बोले बता बेटा तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। उन्होंने कहा कि पिताजी खाने पीने के लिए, हंसने खेलने के लिए, सोने के लिए, मजा मौज के लिए। उन्होंने कहा कि बेटा इस संसार में तुम आए हो केवल खाना पीना सोना, ये तो जानवर करते हैं, अच्छे संतों का संग करो, क्योंकि यदि महापुरुषों की सेवा करना इस स्वर्ग का द्वार है, और संतों की सेवा करना, गुरुजनों का वंदन करना। बोले बेटा इस स्वर्ग का द्वार है, और शराबी कबाबी व्यस्यागामी पुरुषों का संग करना ये नरक का द्वार है। इसी समय उन्होंने कहा कि बेटा पहले तो आज हम तुम्हें जो बातें बता रहे हैं उन पर ध्यान देना, कि घर में प्रत्येक के घर में एक भगवान का सुंदर स्थान होना चाहिए, प्रत्येक घर में एक भगवान का सुंदर स्थान होना चाहिए। हम अपने लिए कमरा बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, बेसंसारिक रूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, लेकिन बिरले घर ऐसे होंगे जो भगवान के लिए एक अपना अलग से कमरा बनाते हैं, बोले भगवान के लिए उस नाम से नहीं बनाते, भगवान नहीं मरे सब चाहे उन्हें कमरा में धर दे, चाहे जो नारिया में बिठा दे दे, लेकिन भगवान के निमित्त में कोई नहीं बनाता, ये भगवान के लिए कमरा है। हम अपने लिए सब कुछ बनाते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं बनाता है। भगवान को बोले पूजन का स्थान होना चाहिए बेटा। इसके बाद में घर में जो बनता है, अपने घर में जो बनता है उसको भगवान का के लिए रोज भोग लगना चाहिए। अपने घर में जो बनता है उसका भोग भगवान को रोज लगना चाहिए।
लेकिन आज के समय में जो हमारे घर में बनता है बिरले घर ऐसे होंगे कि जिनके घर में भगवान को भोग लगता हो, भगवान के लाने पर्सनल चिरौंजी आउट है मजार से, डिबिया में सबका घर दी ना, मोड़ी मोड़ो ने पूजा करी, बड़ों के लाने तो समय नहीं दिया गप्पों के मारे पूजा कर दे को, क्या तो महिलाएं करें के बाल बच्चे करें, तो मम्मी भूखाए को लगा दे कहीं बेटा शक्कर धरी हुई बबी जावे कहीं अपन सत्रह प्रकार को खा रहे पुणी बांधे भजी जावे काल संतान साथे हो खुद पुगा बनी पुगों के मारे तो कोनू को खा भी नहीं आओ एक ही बाद में लेकिन भगवान के लाने चिरौंजी और यदि हम चाहे कि भगवान को चिरौंजी और सत्तर खुआ करके भगवान से कुछ प्राप्त कर ले पूजा में कुछ मिलने वाला नहीं है कुछ होने वाला नहीं है हमारे घर में चाहे अपने जो कुंदूता जिनके चौतरा चौतरा ये सबने बना ले चमीटा गड़ा दे अपनी अपनी घर है तो ये हमारे कुलदेवता आए एक ही बाद में कोनो बीमार हो बाहरी कोनो दुनिया होने वाली आए हाथ तो देखो कई बाहरी बात हा है खुद कुछ अब कह रहे जी हमारे घर की थपी बैठी है वो बाहरी कहां से आ जाओ लेकिन देखो तुमने कहू आज लोग खा भी नहीं दवा सबरी पड़ जाए बाहरी आगे तो बेचारे मुकाय हो रक्षा करे कोनो नौकर तुम राखो हो खा भी नहीं दे और कहो तुम हमारे घर में खज जो दो चार दिन खा भी नहीं दे से कोनो वहां से करोटा ओल ले लेकर उसे तो भूख प्यासी करी और निकाल खले बोल जैसे श्री हरि शरण हो गए चौपरिया बना ले चबीता गड़ा ले लेकिन उनको आठ के आठ खील दे रहे डरियल जाके फट्टे से मारो सो खीले के लिए धर दई होते बाकी मन मेरे लिए प्रसाद की खा ले बेटा हूं अब हम कहें कि हम सुखी हो जाए कैसे सुखी हो जाए हमारे जीवन की विथास समाप्त हो जाए कैसे हो जाए इससे पता लगता कि यदि तुम्हारे रिश्तेदार आए आज तक किसी ने ऐसा किया है कि अपने रिश्तेदार के लिए कुछ खिलाया ना हो नाश्ता भी कराते प्लेट लगा के देते भैया प्लेट लगाओ गई काजू को सब रखो मैं कहीं भैया आए समझी एक ही बाद में फिर गई कुछ ये मन रहे भजिया मंगोली बन रहे लेकिन जिन 24 घंटा तुम्हें खावे दे रहे उनके दाने तुम का खुआ रहे पहले अपनी आत्मा से पूछे और इसके बाद में कहो हम रोज पूजा कर रहे थे हम भगवान की पूजा के बिना नहीं रहे कोने कथ हम रामायण के बिना नहीं रहे लेकिन तुम्हारी भी पूजा सार्थक जब तक नहीं होगी जब तक तुम भगवान को अपना नहीं मानेंगे और इसलिए हम बार बार गलती करते कि भगवान को हम अपना मानते नहीं है समधी हम आए हैं रिश्तेदार हमारे इसलिए समधी की हम खातिर करते हैं समधी को कई प्रकार के भोजन कराते हैं नाश्ता कराते हैं और भगवान को हम अपना नहीं मानते हैं इसलिए तो हम भगवान के लिए केवल चरौनी खिलाते हैं और जब तक हमारे जीवन में सुधार नहीं होगा जब तक हम भगवान को जो हमारे घर में अन्य जो हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है किसानी हमारा धंधा है इसके बाद में जिनके घर में अन्न का भोग नहीं लगेगा उनमें कभी अन्न की वृद्धि नहीं होगी कितना भी बोरा कमा ले छल्ली लगा ले लेकिन पता नहीं लगेगा वो छल्ली कहाँ जाएगी आपकी क्यों जो भगवान के लिए रोज भोग लगाते हैं उनके घर में अन्न की वृद्धि होती है मानस में बाबा तुलसी ने लिखा तुम भोजन करो ही तुम्हें ही निवेदित भोजन करो ही तुम्हें ही निवेदित भोजन करो ही तुम्हें ही निवेदित भोजन करो ही प्रभु प्रसाद पट भोषण प्रसाद तुम ही निवेदित भोजन करी जिनके घर में रोज अन्न का भोग लगता है उनके घर में अन्न की कमी नहीं आएगी कभी पर यही बात यहाँ पर सरदेव ने अपने बेटों को बताया कि बेटा भगवान के सामने भोग रोज लगना चाहिए और जब हम भोग लगाएंगे जैन समाज के जैन संप्रदाय में देखना तुम उनके यहाँ पर एक डिसमिल जमीन नहीं है मूल में डालने के लिए मिट्टी नहीं है उनके घर की
लेकिन उनका नियम है जब मंदिर को जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, चावल लेके जाते हैं, अन्न हाथ में लेकर के रोज भगवान के सामने जाते हैं। एक डिसमिल जमीन है, इसके बाद उनके यहाँ 24 घंटा छल्ली लगी रहती है। हम 10-20 एकड़ के किसान हैं। एक बाद में सेठ जी से कहते गए, सेठ जी आसुद तुम्हें बीज देने पर गई, कई आसुद गई पिछली बढ़ा गई गई गुजार बुरा देने पर है गई, बतो आखिरी में छोटे ये है धिकार हमारे जीवन को। हम भूतों से पूत मांगते जा रहे, भूतों से पूत मांग रहे, जिनके एक डिस्मिल जमीन नहीं है उनके 20 एकड़ बार हाथ पसारे थे, सेठ जी आसुद देने पर है दुख बुरा छोट जो, क्योंकि हम रोज भगवान के लिए चिरौंजी का भोग लगाते, कभी अन्न का हमारे घर में भोग नहीं लगता है। और जैन समाज के जो मंदिर को जाए तो बिना भोग के मंदिर को जाते हैं तो बिना अन्न दान के नहीं जाते, तो उनके घर में अन्न उनके घर से पैदा नहीं होता। पहले के सियाने नियम बनाए थे अपन और रसोई कि यदि कहूं घर में ना हो ना जी आवे सो पहली पहलिया जो होती ना पत्ते जब सो कहते राम, जाने के राम कहिया जात है, राम कहने को मतलब कि हमारे घर में नया अन्न आया है, ये पहला जो नाप है ये भगवान राम के निमित्त में मंदिर को दे दो, गरीब की कन्याओं को दे दो। आज के समय में राम तो कह रहा, राम क्या वो बंद नहीं करो, लेकिन बात पहलिया जो राम की है बासु जाके मंडी में बिक रही, क्या राम की रहे उदय सेठ खो रहे, इसने भगवान ने सुबह विचार बना लो कि कौन तुम्हारे गले में कितने दे 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 थ्रीसन में कितने कर आए, तुम सूदे तो दे हो ने राम की क्या हो और सेठ खो रहे हो, सुबह खेत ही में सलोन लगे पर के तो गया सब कोहरा परो कुछ गई में सरारी हो गई किसी गई कोनों के दिल में लग गई कि कहने का विपरा, भगवान जानते कि कितने उनको दे दिया जाए लेकिन इनकी देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा अपने घर में जो कुछ भी हो तो मही निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पद्मभूषण हरू, अन्न में दोष है यदि अन्न भगवान को अर्पण कर दिया जाए, अन्न भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो अन्न का दोष दूर हो जाता है, वस्त्रों में दोष है, लेकिन जो हमारे घर में नए वस्त्र आए भगवान को पहले हम पहना दें अर्पण कर दें उनका दोष दूर हो जाता है। भले पैर में बनियान ले आए साड़ी ले आई कि राधिका जी आज तुम पहनो, लक्ष्मी मैया तुम पहनो, हम शरीर के बाद में तुम्हारी उतारण हम पहन ले, सोने में दोष है लेकिन घर में सोने चांदी के जेवर आए तो पहले अपन ने पहने, पहले देवी जी को पहनाओ, राधिका जी हो घर में लक्ष्मी माता हो पार्वती का हो उनको पहनाओ के पहले आप पहनो, सोने में दोष है लेकिन जो भगवान को अर्पण कर दिया जाए इसके बाद में वो सदोष हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं बचता है, वो सदोष हो जाता है। इसलिए घर में कोई भी चीज आए पहले भगवान को अर्पण करने से उसका दोष दूर हो जाता है। और कहा बेटा तुम्हारे जो पूजन सामग्री है चाहे तुलसी हो चाहे फूल हो कभी पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, कभी पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, अपने पुत्रों के लिए उपदेश किया। आओ चाचा, उसी समय उन्होंने अपने बेटाओं के लिए सारी कथा समझाने के बाद में सबदेव ने अपना शरीर पुरोहित करने का विचार किया, भरत को राज्य दिया और भरत को राज्य देने के बाद में उसी समय जाकर के कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता में जाकर जाकर के अपने शरीर को पुरोहित करने का विचार किया। ऋषभदेव के पास में 8 सिद्धियां नौनिधि उनके पास में आ गई, लेकिन ऋषभदेव ने सारी सिद्धियों को ठुकरा दिया क्योंकि रिद्धि सिद्धि आई प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, आना जाना हो जाएगा, चक्कर खत्म हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
फिर भी ऋषभ देव के पास में आदमी जाती रहा दर्शनों के लिए। ऋषभ देव ने मलमूत्र त्यागना शुरू कर दिया, लेकिन उस मलमूत्र की सुगंध 100 कोस तक फैल गई, फिर भी आदमी जाते रहे उनके पास में। उन्होंने अपने मुंह में कंकर रख लिया ताकि किसी से बात ना करना पड़े, और इसके बाद में उन्होंने आग लगा करके जंगल में अपने शरीर को पुरोहित कर दिया। और वहां कलकत्ता के जो राजा अरहन थे, उन्होंने उसी समय जो जैन संप्रदाय है, जैन धर्म है, ज्यादा नहीं 1000-2000 वर्ष भय हुआ था जैन धर्म गिलाने, वहीं से राजा अरहन ने जैन धर्म का प्रचार किया और प्रारंभ कर दिया। और भरत जी महाराज ने विचार किया कि जब हमारे पिता ने हमें उत्तम शिक्षा दी कि बेटा ये शरीर केवल खाने पीने को नहीं मिला है, मस्ती करने को नहीं मिला है, ये शरीर हमें भजन करने के लिए प्राप्त हुआ है। भरत ने अपने बेटों को राज दिया। गंडकी नदी के किनारे पर पहुंचे, उसी समय एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, एक गर्भवती मृगी आई, शेर की आवाज सुनकर के छलांग लगा दी, और छलांग लगाने से जब उसने नदी पार करने का विचार किया, उसी समय वह गिर के मर जाती है, उसका जो सुख साबक बच्चा है वो बाहर निकल आता है। भरत जी ने विचार किया कि उसका पालने वाला कोई नहीं है, कहीं कहीं दया भी नुकसान दे जाती है, सब जगह दया करना ठीक नहीं, लेकिन लिखा है शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परमं सुखम, और नचदशरा नाव्याधि नच धर्मो दया पर, दया पर दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज भरत जी को दया आई, बच्चा को अपने आश्रम ले गए, जहां 4 मालाएं होती 2 मालाएं हो गई, उछलता है कूदता है उसको देखते रहते हैं। जब बड़ा हो गया मृग बालक खेलने जाने लगा, एक दिन भरत जी का अंतिम समय आया, मृग बाल वापिस नहीं आया, उसी समय मृग बाल में फंस गए। मरते समय इनके लिए वह मृग बाल अपने में मन में बसा रहा, इसलिए मरने के बाद में यथामति सागति मृग योनि प्राप्त हो गई इनके लिए। इसलिए जब आदमी मरण लगे सब आदमी पलका खटिया पसौता लो, जी शास्त्र में लिखो है कि क्योंकि यदि पलका खटिया से जगह लीप के नीचे सुला दिया जाए गाय के गोबर से, तो भी यमातना जमकूटन हो थे तो जमकूटन नहीं हो थे, यदि जगह लीप करके पलक से उतार दिया जाए, जगह गाय के गोबर से लीप करके कोसा डाल दिया जाए, तुलसी दल के पास में लिटा दिया जाए, तुलसाने के पास में, तो यातना जो होती है, जमकूटन जो होती है, वो नहीं हो पाती है फिर। लेकिन इसलिए आदमी मरते समय आदमी के पास मर के दादा राम कहो दादा, ताकि इनका जो मन है भगवान में पहुंच जाए, क्योंकि यदि इनका मन संसारियों में रहेगा तो मरने के बाद योनि कोई भी मिले यहीं पर इनको आना पड़ेगा। और भरत जी उसका चिंतन किया, मरने के बाद में मृग बाल बन चुके, भ्रमण करने लगे, लेकिन तपस्या जो पूर्व में की थी उसके फल से पूर्ण याद रही उनको बातें सारी। और यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मरते समय आदमी को संसार से मोह तोड़ देना चाहिए, लेकिन मरते समय तक ये संसारी नचित स्नान आदि मरते समय तक ये संसार को नहीं छोड़ना चाहते हैं, संसार से दूर नहीं होना चाहते हैं, और ना कोई मरना चाहता है। एक माता राम रोज को कहे कि भगवान अब तो उठा लेते हैं हमें, मौत नहीं आ रही, मौत नहीं आ रही, धर्मराज ने करो तई से लकड़ियां बीन में जाती, धर्मराज ने सुनी कि तो माता राम मौत को बुला रही, जाके पहुंची बोले कहीं माता राम कह गया रही कभी मौत तक नहीं आ रही हमारे लाने तो गई मर जाते गई, धर्मराज ही कहने लगी हम मौत आए गई, चलो हम तुम्हें ले गए आ गए हो गई, कहीं तुमको आओ गई यमराज की धर्मराज की धर्मराज आए गई, चलो तुम्हें हम ले चल रहे गई,
बोले हम नहीं खोने, बुला रहे अपने से मौत के लाने, लकड़ी उगट्ठा उठ नहीं जाओ आए गई उगट्ठा उठो उन्हें मर्द अंतिम समय तक आदमी भले खटिया में जा लेकर लगत करो और जी लेते अब कहूँ तो बहु और देख लेते अब नादी को घोड़ा पे बैठो और देख लेते तो ब्याह और हो जा तो नज तो सलाना भी आदमी एक बार गुरु नानक चले जा रहे थे एक बकरा एक बनिया की दुकान में चावल खाने लगा उसी समय गुरु नानक देख रहे थे चेला साथ में थे उस बनिया के बेटा ने उस बकरी के मुंह में डंडा मार मार करके जितने चावल उसने मुंह में भरे थे सारे नीचे निकलवा लिए गुरु नानक जी को हंसी आ गई हंसने लगे बोले गुरु बाबा काय हंस रहे तुम गई चेला क्या लगे तो बस ही हंसी आ गई बोले आप बिना कारण के नहीं हंस सको तो बोले ये बुकरा है जो ये बनिया को बाप आए गई एक ही सारी दुकानें आई एक ही पूरी कमाई आए एक मुठी चावल खाए लगे डंडा दे के मुंह में से झरा ले गई कर्मों के अनुसार जो बकरा बना है लेकिन मरते समय की दुकान पे इसका मन दुकान में फंसा रहा आज बुकरा की ओनी में आया है लेकिन दूसरे के यहाँ पड़ रहा है लेकिन इस दुकान पर ही आकर के बैठता है रोज यदि दुकान बंद रहे तो भी उसी शटर के बगल में बैठा रहता है क्योंकि इसकी आसक्ति यहाँ पर मरते समय थी इसलिए कर्मों के अनुसार बुकरा बना उसी की दुकान उन्हें आज एक मुठ्ठी चावल खा लिए उसके बेटा ने डंडा भी करके सारी चावल झरा लिए उसी प्रकार इसके बाद में और मृग शरीर को छोड़ करके ब्राह्मण के यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया लेकिन आज इन्होंने विचार कर लिया किसी से बातें नहीं करना है पढ़ाने का प्रयास किया लेकिन पढ़ना भी बंद कर दिया सब कुछ जानते थे ये तो ये सब जानते थे लेकिन उसी समय आया